हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री द विच की। ये रिलीज़ हुई थी 2016 में और आईएमडीबी ने इसे दिया है 7.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 17th सेंचुरी से, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से, जहां प्यूरिसन फैमिली के खिलाफ चर्च में सुनवाई हो रही थी। उन्हें महज इस बात के लिए कि वो लोग बाकी लोगों की तरह पुरानी मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं का पालन नहीं करते थे, समाज और गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। प्यूरिसन फैमिली इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं। वो लोग गांव से बहुत दूर जंगल के पास एक आइसोलेटेड जगह पर अपना नया जीवन बसाते हैं। इस परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया विलियम, उनकी पत्नी कैथरीन, उनकी बड़ी बेटी थॉमसन और बेटा केलब, और दो ट्विंस भी हैं, जॉनिस और मर्सी। कुछ दिनों बाद जब वो लोग वहां अच्छे से सेटल कर लेते हैं, कैथरीन एक और बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग सैमुअल रखते हैं। इस परिवार का दूसरे लोगों से कोई संबंध नहीं था। ये अपने सारे काम खुद से किया करते थे। ये खाने के लिए अनाज और सब्जियां भी खुद ही उगाते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह खुशी खुशी ये परिवार अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ये लोग ईश्वर में काफ़ी विश्वास रखते थे। थॉमसन घर के कामों में हाथ बटाती और अपने न्यूबॉर्न भाई सैम का भी ख्याल रखती थी। थॉमसन एक अनहार लड़की थी। एक दिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब थॉमसन सैम के साथ जंगल के पास खेल रही थी, तो सैम अचानक गायब हो जाता है। थॉमसन को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे जंगल के अंदर ले गया हो। वो उस तरफ दौड़ती भी है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन हम देख पाते हैं एक हुडेड इंसान को सैम को जंगल के अंदर ले जाते हुए। वो एक औरत थी जो कम्प्लीटली नेक्ड होकर रात के अंधेरे में एक खंजर से सैम को मार देती है। फिर किसी तरह का पेस्ट बनाकर अपने पूरे शरीर पर लगाती है, और उस पेस्ट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खून और मांस से बना है। तो क्या उसने सैम को किसी तरह की बलि चढ़ा दिया था? और आखिर ये औरत थी कौन जिसने एक नन्हे से बच्चे के साथ इतना भयानक काम किया था? ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सैम के जाने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। थॉमसन को डरावने सपने आने लगे थे। वो ठीक से सो नहीं पाती थी। कैथरीन हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोती रहती थी। एक दिन केलब सुबह सुबह उठकर जब खेत पर जाता है, तो उसके पिता वहाँ पहले से बैठे थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है उन्होंने सैम को काफ़ी ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं चला, और अंत में उन्होंने मान लिया कि उसे भेड़िया उठा ले गया। अचानक से उनकी सारी फसल भी ख़राब हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके पिता उसे अपने साथ जंगल में शिकार के लिए चलने बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अब शिकार करना होगा। वो अपने कुत्ते को भी लेकर जाते हैं। इधर घर पर कैथरीन ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। जब से सैम गायब हुआ था, कैथरीन ने किसी से कोई बात नहीं की थी। अब घर का सारा काम और अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी थॉमसन पर आ गई थी। इधर उनके पिता ने जंगल में जो ट्रैप लगाया था, उसमें अब तक कोई जानवर नहीं फंसा था। केलब जानना चाहता था उसके भाई के साथ आखिर क्या हुआ है। इसके बाद वो लोग ट्रैप को फिर से सेट कर देते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक खरगोश दिखाई देता है, जिसका शिकार करने के चक्कर में केलब के पिता खुद ही घायल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गन जाम हो गई थी। इधर थॉमसन बाड़े में काम कर रही थी। मर्सी और जॉनस बाहर खेल रहे थे। कैथरीन हर रोज़ थोड़ी देर के लिए उस जगह जाती जहाँ से सैम गायब हुआ था। इधर केलब और उसके पिता को कोई शिकार नहीं मिलता, इसलिए वो घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद थॉमसन अपने पिता के कपड़े धोने नदी पर जाती है। केलब भी वहाँ आता है अपनी माँ के लिए पानी लेने। अचानक वो थॉमसन को अजीब नज़रों से देखता है, जिससे थॉमसन नोटिस कर लेती है। जब वो केलब से पूछती है, तो केलब नज़रें चुरा कर पानी भरने लगता है। थॉमसन देखती है केलब काफ़ी उदास है, तो थॉमसन उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ थोड़ी मस्ती करके उसे हंसाती है। तभी उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि शरारती मर्सी थी, जो बहुत ज़्यादा शरारती थी। वो अपनी बहन को टॉन्ट मारती है कि माँ उससे नफरत करती है, जिस पर थॉमसन मर्सी को डराने लगती है और उसे ये कहती है कि वही वो चुड़ैल है जो उसके भाई को उठा ले गई थी, और अगर मर्सी ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो उसे भी उठा ले जाएगी। जिस पर मर्सी कसम खाती है कि वो उसे कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ट्विंस अपने मन में उस बात को सच मानने लगे थे। वो मानने लगे थे कि उनकी बहन ही वो डायन है। ये परिवार काफ़ी धार्मिक था। खाने से पहले भी ये प्रेयर किया करते थे।
डिनर के वक्त हमें रियलाइज़ होता है कैथरीन थॉमसन को सैम के गायब होने का जिम्मेदार मानती है, वो उसे अब और पसंद नहीं करती। रात में थॉमसन जब बाड़े में जाती है अपनी भेड़ों को देखने, तो उसे भी वही खरगोश दिखाई देता है जो केलब और उसके पिता ने जंगल में देखा था। कैथरीन को लगने लगा था उसके परिवार पर किसी ने काला जादू किया है। अब कैथरीन को थॉमसन की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि थॉमसन अब बड़ी हो चुकी थी। वो दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो थॉमसन को किसी अच्छी फैमिली को बेच देंगे ताकि कुछ पैसे हो और खाने का इंतज़ाम हो सके। ये सारी बातें ऊपर बैठे बच्चे सुन रहे थे। केलब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो खाने का इंतज़ाम करने उसे लग रहा था कि जो ट्रैप उसने जंगल में लगाया उसमें ज़रूर अब तक कोई ना कोई शिकार फंस गया होगा। वो चुपके से जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी थॉमसन वहाँ आ जाती है। वो भी साथ चलने की ज़िद करती है, नहीं तो वो विलियम को बता देगी। केलब उसे ले जाना नहीं चाहता था, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर वो दोनों रवाना हो जाते हैं। वो दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी केलब को ट्रैप में खरगोश फंसा हुआ मिल जाता है। तभी फिर से वो खरगोश उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर उनका कुत्ता उसके पीछे भाग जाता है, और अपने कुत्ते को वापस लाने के लिए केलब भी उसके पीछे जाता है। इधर पता नहीं उस घोड़े ने ऐसा क्या देख लिया था उस खरगोश में कि वो थॉमसन को नीचे गिरा देता है। सुबह होते ही उन दोनों बहन भाइयों की ढूंढ मच जाती है। जंगल के अंदर केलब को ना तो पॉलर मिल रहा था और ना ही थॉमसन, और अपना घोड़ा भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज़ सुनाई आती है, वो घायल हालत में पड़ा था। थॉमसन को भी होश आ जाता है, उसे विलियम की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ भागती है, इधर केलब उस घने जंगल में भटक गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे फिर से वो खरगोश दिखाई देता है और उसका पीछा करते हुए वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर से एक खूबसूरत औरत बाहर आती है, और उसकी रेड हुड को देखकर हम समझ पाते हैं ये वही है जिसने सैम को चुराया था। वो केलब की तरफ बढ़ती है और उसे एक क्रीप स्माइल देती है। केलब काफ़ी घबराया हुआ था, वो उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है, और हम उसके हाथ को देखते हैं जिसे देखकर साफ पता चल रहा था ना तो वो खूबसूरत है और ना जवान। उसके हाथ की खाल लटकी हुई थी जैसे वो कोई बूढ़ी औरत हो। तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है, जिससे हम इतना तो समझ पाते हैं ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक विच है। इधर काफ़ी ढूंढने के बाद भी थॉमसन और विलियम को ना तो केलब मिलता है और ना ही उनका घोड़ा। इधर थॉमसन सैमी सी बैठी थी बाहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विलियम रात में ही उन्हें ढूंढने के लिए निकलने को बोलता है। कैथरीन अभी सैम के गम से उभरी भी नहीं थी कि केलब गायब हो गया, इसलिए कैथरीन रात में विलियम को जाने नहीं देती। इधर थॉमसन बाड़े में जाती है बकरियों को सुलाने, तो उसे बाहर एक आहट सुनाई देती है। वो केलब था, कम्प्लीटली नेक्ड हालत में। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसका शरीर पेल हो चुका था, वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो लोग उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। इधर विलियम ने पहले कभी खुद को इतना हेल्पलेस फील नहीं किया था। अगली सुबह जब थॉमसन बाड़े में थी, उसके छोटे भाई बहन उसे डायन बुलाते हैं। इवन मर्सी तो ये भी कहती है कि उसके बकरे ने उसे बताया है कि थॉमसन ने केलब में शैतान डाल दिया है, इसलिए ही वो बीमार है। थॉमसन बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थी। थॉमसन जब बकरी का दूध निकाल रही थी तो दूध की जगह खून आता है, जिसे देखकर थॉमसन डर जाती है। इधर कैथरीन को लग रहा था केलब पर डायन ने काला जादू किया है। विलियम डिसाइड करता है वो वापस गांव जाएगा और थॉमसन के लिए एक अच्छा घर तलाश करेगा और मकई बेचकर घोड़ा लाएगा ताकि केलब को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सके। कैथरीन वापस अपने घर जाना चाहती थी अपने बच्चों को लेकर इस मनहूस जगह से दूर। विलियम कैथरीन को भी साथ चलने को कहता है। फिर वो खेत पर जाकर सारी मकई निकाल लेता है ताकि उसे गांव में ले जाकर बेच सके। जब वो सब लोग बाहर काम कर रहे थे तभी केलब चिल्लाने लगता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था उस पर सच में किसी ने काला जादू किया है। तभी उसके मुंह से एक सड़ा हुआ सेब बाहर आता है। तभी मर्सी और जॉनस थॉमस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो डायन है, उसने शैतान से सौदा किया है, जबकि बेचारी थॉमस ने उस दिन मर्सी से ये बात बस मजाक में कह दी थी। तभी विलियम उससे प्रार्थना करने को बोलता है ताकि उस डायन से जिसे उस का सामना ताकि उस डायन का सामना किया जा सके। तभी दोनों छोटे बच्चे प्रार्थना नहीं कर पाते, वो दर्द में तड़पने लगते हैं। कैथरीन ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। तभी केलब फिर से तड़पने लगता है, जितना वो तड़प रहा था उतने ही छोटे बच्चे तड़प रहे थे। तभी थॉमसन विलियम और कैथरीन तीनों मिलकर प्रेयर करने लगते हैं और उसका असर भी होता है। केलब एक पल के लिए शांत हो जाता है और छोटे बच्चे भी।
मगर ये शांति साधारण नहीं थी। केलब मर चुका था। इस परिवार ने एक और बच्चे को खो दिया था। इसका जिम्मेदार भी कैथरीन थॉमसन को समझ रही थी। उसे भी लगने लगा था कि थॉमसन ही विच है। वो उसे केलब से दूर कर देती है। बेचारी थॉमसन बाहर आकर रोने लगती है तो विलियम आकर उसे संभालते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर विलियम भी उस पर शक करने लगे थे कि कहीं सच में उसने शैतान के साथ कोई सौदा तो नहीं किया है। जबकि थॉमसन को लगता है सारी मुसीबतों की जड़ वो बकरा है, उसी की वजह से मर्सी और जॉनस अजीब अजीब बातें करते हैं। उस बकरे में ही शैतान है, जब से वो आया है सब गड़बड़ हो रहा है। मगर विलियम उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ कैथरीन उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जिस पर थॉमसन अपनी माँ को बताती है जॉनस और मर्सी ने बकरे के रूप में शैतान से करार किया है। हालांकि वो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थी। विलियम को लग रहा था बच्चे बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विलियम गुस्से में आकर थॉमसन और दोनों बच्चों को बाड़े में बंद कर देता है। थॉमसन मर्सी और जॉनस से पूछती है क्या वो बकरा सच में उनसे बात करता है, जिस पर वो जवाब देते हैं हाँ। इधर विलियम और कैट केलब को दफना देते हैं। विलियम पूरी तरह टूट चुका था। इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब तक उसने अपने दो बच्चों को खो दिया था। रात में कैथरीन को केलब और सैम दिखाई देते हैं घर में बैठे हुए। वो जाकर उन्हें गले लगा देती है। केलब की आत्मा कैथरीन से वादा करती है वो उसे ऐसे ही मिलने आया करेंगे। इधर बाड़े में छोटे बच्चे उस डायन को देखते हैं बकरी को खाते हुए, जिसे देखकर बच्चों की चीख निकल जाती है, साथ ही थॉमसन की भी, और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब वो डायन खुलकर उनके सामने आ गई थी। इधर कैट, जिसे सैम समझकर दूध पिला रही थी, वो शैतानी कौवा था जो उसके स्तनों को अपनी चोंच से काट रहा था, और कैथरीन पागलों की तरह हंस रही थी। अगली सुबह जब विलियम की नींद टूटती है तो कैथरीन वहीं लेटी थी और उसकी चेस्ट से खून बह रहा था, यानी कि रात में जो हुआ था वो सब सच था। फिर वो बाड़े की तरफ जाता है जहाँ सब तहस नहस था। उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। किसी ने बकरियों को आधा खाया हुआ था, पूरा बाड़ा टूटा हुआ था, थॉमसन वहीं बेहोश पड़ी थी और ट्विंस गायब थे। तभी थॉमसन उठ जाती है, उसे भी होश आ जाता है। अचानक वो शैतानी बकरा विलियम के पेट में सींग घुसा देता है। थॉमसन ये देखकर चीखने लगती है। विलियम वहाँ पड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है, मगर वो बकरा उस पर फिर से वार करता है और उसे जान से मार देता है। थॉमसन ये सब देखकर डरती हुई से अपने पिता को देखने जाती है। तभी कैथरीन वहाँ जाती है। उसे लग रहा था ये सब थॉमसन ने किया है। थॉमसन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कैट उसकी एक नहीं सुनती और उसके दोनों छोटे बच्चे भी गायब थे। थॉमसन उसे बताती है रात में बाड़े में जो कुछ हुआ, लेकिन उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती और उसे दूर धकेल देती है। उसे लग रहा था थॉमसन ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। कैथरीन उसे मारने लगती है। सेल्फ डिफेंस में थॉमसन पास पड़े चाकू को कैट के पेट में घुसा देती है और उसे जान से मार देती है। एक ही रात में सब कुछ बर्बाद हो गया था। पूरा परिवार खत्म हो गया था। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। थॉमसन घर के अंदर जाती है, खून से सने अपने कपड़ों को उतार कर खुद को साफ करके वहीं बैठ जाती है, जैसे वो किसी सदमे में चली गई हो। सुबह से रात हो गई थी, थॉमसन वहीं बैठी थी। रात में जब वो बाहर आती है, उसे बाड़े के पास वही बकरा दिखाई देता है जो बाड़े के अंदर चला जाता है। उसके पीछे वो भी बाड़े में चली जाती है। वो उस बकरे से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर हमें सरप्राइज करते हुए वो बकरा इंसान की भाषा में बात करने लगता है, और यहाँ तक कि उसका रूप भी बदल जाता है। वो इंसानी रूप में उसके सामने आता है। वो उसे एक आलीशान ज़िंदगी का लालच देता है। यहाँ हम समझ पाते हैं वो कोई बकरा नहीं बल्कि शैतान है। वो थॉमसन को उसके कपड़े उतारकर अपनी उसके सामने रखी किताब पर उसका नाम दर्ज करने को बोलता है, और थॉमसन ऐसा करती भी है। वो अपने आप को शैतान के नाम कर देती है और हम उसे फिर से बकरे के रूप में देखते हैं। वो थॉमसन को गाइड करते हुए जंगल में ले जा रहा था, जहाँ ढेर सारी विचेस आँख के इर्द गिर्द शैतान की पूजा कर रही थी, जिनमें से थॉमसन भी अब एक बन गई थी। फिर वो सारी विचेस हवा में उड़ने लगती है और थॉमसन भी हवा में उड़ पा रही थी। तो गाइज, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरी अपनी खुद की एक थ्योरी है इस कहानी को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार को शैतान ने शुरू से ही टारगेट किया। उसने शुरू से ही शिकार बनाना चाहा थॉमसन को, क्योंकि थॉमसन एक प्योर हार्ट वाली लड़की थी। उसके घर में हर किसी में कोई ना कोई बुराई थी, लेकिन थॉमसन में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए शैतान ने ये सारा जाल बुना। एंड में जब थॉमसन ने ये देख लिया कि उसकी खुद की माँ ने उस पर यकीन नहीं किया,
उसे लगा कि वो ही विच है, वही चुड़ैल है, उसी ने उसके परिवार को ख़त्म किया है, तो कोई और कैसे उस पर यकीन करता। और वैसे भी वो 17th century थी जब औरतों को बड़ी आसानी से विच मानकर जला दिया जाता था या मार दिया जाता था। ऐसे में थॉमसन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो शैतान से करार कर लेती है। वो वैसे भी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो ही चुकी थी, परिवार ख़त्म हो चुका था, वापस गांव जाती तो लोग उसे चुड़ैल बताकर वैसे ही मार देते, तो बेचारी ने यही सही समझा और मुझे भी ये सही लगता है। मैंने इस कहानी को इस तरह समझा है, आप देखिए आप इसके एंड को कैसे जस्टिफाइड करते हैं। और फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, टेक केयर, बाय बाय।